हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एनिटियन यूट्यूबर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधार किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। आधार डाउनलोड करने के कई प्रोसेस हैं, उनमें से स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक प्रोसेस समझाया जाएगा जिससे कि आप आसानी से डाउनलोड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप uidi.gov.in अपने गूगल क्रोम में टाइप करेंगे और इस वेबसाइट पर आप एंटर हो जाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे लोकेट एट एनरोलमेंट सेंटर, इस तरीके के ऑप्शन है। इसमें ही एक ऑप्शन है डाउनलोड आधार का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड आधार। और यहाँ पर के तीन प्रोसेस हैं, आधार नंबर से, एनरोलमेंट आईडी से, वर्चुअल आईडी से। चलिए इस वीडियो में हमने आपको आधार नंबर से किस तरीके से आधार डाउनलोड किया जाता है ये बताया है। तो हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं और यहाँ कैप्चा फिल कर देंगे। और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। देखिए जैसे कि हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ गया है और हम इसे यहाँ पर फिल करते हैं और इसके बाद में प्रोसीड एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, नेट की स्पीड की वजह से डिपेंड करता है कितनी जल्दी डाउनलोड होता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। और यहाँ पर ये एक फॉर्मेट मतलब के पासवर्ड की तरह रहता है। पासवर्ड में हमें आपके नाम के शुरू के चार नंबर डालने होते हैं और डेट ऑफ बर्थ लास्ट के चार अंक जो रहते हैं वो डालने होते हैं। जिस तरीके से इसमें दिखा रखा है, योर नेम इज़ अनीस वाई कुमार और डेट ऑफ बर्थ है 1989, तो आपको ANIS 1989 इस तरीके से डालना है। चलिए हम इस PDF आपको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए जिस तरीके से ये पासवर्ड मांग रहा है, हम इसमें पासवर्ड डाल देते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए PDF खुलकर हमारे सामने आ गई है। इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं। और जो भी बाकी के प्रोसेस है वो भी अगली वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा, जिससे कि आने वाली समस्याओं को आप हल कर सकें। और इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैं इन फ्यूचर बनाता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।